गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जीके का चैप्टर 2 पेज नंबर 4 है ये, और इसका टॉपिक है हमारा नेटिकेट्स। स्टार्ट करते हैं। नेटिकेट्स इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, इंटरनेट एंड एटिकेट। नेटिकेट एक ऐसा वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरनेट और एटिकेट। नेटिकेट इज द सोशल कोड ऑफ द इंटरनेट। नेटिकेट क्या होता है? इंटरनेट का सोशल कोड होता है। दे मेक यू अवेयर ऑफ द थिंग्स व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट। नेटिकेट हमें इंटरनेट यूज करते समय ये अवेयर करता है कि हमें इंटरनेट यूज करते समय क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हमें सही लगते हैं तो उसको हम करेक्ट करेंगे और रॉन्ग लगेंगे तो हम उसको क्रॉस कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट है, डोंट शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद अदर्स व्हाइल वर्किंग ऑनलाइन। कि जब हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हमें अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी चाहिए या नहीं? तो ये है करेक्ट कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कभी भी नेट पर। यू कैन शेयर अदर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू स्ट्रेंजर्स। क्या हमें दूसरों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए नेट यूज करते समय? तो इसका आंसर होगा क्रॉस, क्योंकि हमें उनकी भी नहीं करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस कैसा है? गलत है। हमें ना अपनी ना दूसरे की किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहिए, नेट यूज करते समय शेयर नहीं करना चाहिए। डोंट यूज ऑल कैपिटल लेटर्स बिकॉज दैट इम्प्लाइज एज इफ यू आर शाउटिंग। हमें सारे कैपिटल लेटर नहीं यूज करने चाहिए सारे, क्योंकि ये इससे पता चलता है कि हम एंग्री हैं या हम चिल्ला रहे हैं। तो आपकी बुक में ये इसको रॉन्ग दिया हुआ है, जबकि ये करेक्ट होता है। इंटरनेट यूज करते समय हम कैपिटल लेटर नहीं यूज करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। तो हमेशा हमें स्मॉल कैप्स यूज करना चाहिए। नेवर इंटर इन हॉट डिस्कशन। हमें हॉट डिस्कशन चल रहा है तो उसमें अपने व्यूज नहीं रखने चाहिए, उसमें नहीं घुसना चाहिए। करेक्ट, ये सेंटेंस करेक्ट है, ऐसा बिल्कुल होता है। यू कैन यूज इंटरनेट एट नाइट, लेट नाइट। क्या हम लेट नाइट तक इंटरनेट यूज कर सकते हैं? ये सही होना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें कोई काम नहीं जबरदस्ती में हमें रात जग के इंटरनेट यूज नहीं करना चाहिए। तुम्हारा ये सेंटेंस रॉन्ग है। नो नीड टू टेक केयर ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर वाइल राइटिंग एन ईमेल। हमें ईमेल राइटिंग के दौरान ग्रामर और स्पेलिंग का ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, क्योंकि रखना चाहिए। देयर इज नो नीड टू वॉच योर लैंग्वेज। हमें अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अगर पोलाइट होती है, अच्छी होती है, तो और ऐसी ही लैंग्वेज को ऑफिशियली हमें यूज करना चाहिए। डू नॉट ओपन स्पैम मेल्स और फॉलो पॉपअप्स। स्पैम मेल्स वो होते हैं जो बीच बीच में आके हमें लालच देते हैं कि आप लॉटरी जीत गए हैं, ये हो गया। तो इनको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। और जब हम नेट पर काम करते हैं तो बीच बीच में आ जाता है कभी कि यहाँ क्लिक करिए कैसे पैसे कमाएं, या कुछ भी दूसरे इस टाइप के मैसेज ब्लिंक करने लगते हैं। उन मैसेजेस को हम कहते हैं पॉपअप्स। तो इनको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस है। डोंट कॉपी अदर्स वर्क फॉर योर पर्सनल यूज। दूसरे के काम को, दूसरे के वर्क को कॉपी नहीं करना चाहिए अपने पर्सनल यूज के लिए। ये करेक्ट है, क्योंकि हमें अपनी अपनी खुद की क्रिएटिविटी, अपनी खुद की काम करने चाहिए, दूसरे का नहीं कॉपी करना चाहिए। बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट व्हाइल राइटिंग ईमेल। हमें ईमेल हमेशा छोटा और टू द पॉइंट लिखना चाहिए, बड़ा या उसमें फालतू की बातें ऐड नहीं करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। और लास्ट में देखिए, वी शुड यूज रिगार्ड्स, थैंक योर सिंसियरली एट द एंड ऑफ आवर मेल्स। जब भी हम मेल लिख रहे हैं तो उसके लास्ट में रिगार्ड्स, थैंक्स, योर सिंसियरली, ये सब जरूर, ये सब ग्रीटिंग करने के तरीके होते हैं, इनको जरूर हमें यूज करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ नेटिकेट्स थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। आप इनको पढ़ के और इनको प्रैक्टिस में फॉलो करिएगा।